यहाँ का एक एरिया ऐसा है, लेफ्ट ब्रेन राइट बॉडी को और राइट ब्रेन लेफ्ट बॉडी को कंट्रोल करता है। ये जो जंक्शन का एरिया है, जब यहाँ कहीं अलाइनमेंट बिगड़ जाता है, जंक्शन का एरिया, उसका जब अलाइनमेंट बिगड़ता है तो वहां से पूरी इधर की नर्व वो ज्यादा सेंसिटिव हो जाती है। हमने इनका अलाइनमेंट किया, इनका जो आधा शरीर लेके घूम रही थी इनका पूरा शरीर आ गया, जो दर्द करता था वो सारा ठीक हो गया, केवल एक ही जगह ठीक। अब मैं पहले से बहुत बढ़िया हूँ। बहुत बढ़िया हो गई। चल लेती हूँ, चल नहीं पाती थी बिल्कुल। अच्छा। भी सब्जी लेने भी नहीं जा पाती थी। मैंने आज छोड़ दी थी कि मैं ठीक ही नहीं हो सकती, ये मैंने माइंड में सेट भी कर लिया था मैं ठीक नहीं हो सकती। कितने कष्ट के दिन थे वो? परिकम्मा देके आ गई मैं। है ताली बजा भाई। और इससे बढ़िया और क्या हो सकता है अभी मैं। कार्ड नंबर 19082, वीडियो नंबर 2, श्रीमती उषा देवी। ऐसे केस तो जहाँ डायग्नोज ही नहीं होते, ये केस तो डायग्नोज ही नहीं होता, जिनका जो इनका केस है जो आप सुनेंगे, जब डायग्नोज ही नहीं होगा तो इलाज कहाँ से होगा। कितनी कितनी सारी चाटी बातें बता करके डॉक्टर कहते हैं भाई तुम्हारा तो दिमाग खराब हो गया है, ये पता ही नहीं सब क्या खराब होता है। राइट हाफ बॉडी या लेफ्ट हाफ बॉडी पेन, मेरे पास सैकड़ों केस हैं जो बेचारे आधा शरीर लेके घूमते थे और आज बहुत बढ़िया है, उन्हीं में से एक है। जरा बताओ जी क्या कहना है आपका? मैंने सब जगह इलाज करवा लिया। तकलीफ क्या थी पहले वो बताओ इनको। पहले तो बैक से शुरू हुआ था, वो नीचे, पहले नीचे, कमर में दर्द शुरू हुआ था, नीचे नीचे एक पैर, फिर धीरे 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 करके यहाँ तक आ गया, ऊपर बढ़ा और धीरे धीरे पूरा आधा आधा मतलब पूरा हो गया एक साइड का। और मतलब मैंने सब कुछ करवा लिया, हर तरह की थेरेपी करवा ली, डॉक्टर को भी दिखा लिया, सब कुछ करवा लिया। क्या कहते थे सब डॉक्टर लोग? डॉक्टर कुछ नहीं, एक्सरसाइज करो मतलब ठीक हो जाएगा, दवाइयों से कुछ नहीं हो सकता, आपको साटिका की प्रॉब्लम है, दवाइयाँ खा खा के मोटापा बढ़ गया। ये जो वजन दवाइयाँ खा के बढ़ा? दवाइयाँ खा के बढ़ा और पेट में भी प्रॉब्लम। हमें तो लगा शायद ज्यादा खाती हैं आप। नहीं, दवाइयाँ खा खा के बढ़ गया, लीवर में भी प्रॉब्लम हो गई मेरे, क्योंकि खाना वाना वो हजम नहीं हो रहा था। अब मैं पहले से बहुत बढ़िया हूँ। बहुत बढ़िया हो गई। चल लेती हूँ, चल नहीं पाती थी बिल्कुल। अच्छा। सब्जी लेने भी नहीं जा पाती थी, अब मैं वो कर लेती हूँ, चल लेती हूँ। मतलब कितने कष्ट के दिन थे वो? परिकम्मा देके आ गई मैं। है ताली बजा भाई। और इससे बढ़िया और क्या हो सकता है अभी मैं। गोवर्धन की परिकम्मा देके आई हूँ। क्या बात है ना, इतना चल ली मैं कि मतलब बहुत बढ़िया। कितना आनंद और कितने खुशी की बात है। हाँ, कि जो सब्जी लेने नहीं जा सकती थी, नहीं जा सकती वो गोवर्धन की परिक्रमा, इसी को तो कहते ना कि अंधा देख सकता है और लंगड़ा चल सकता है जब ईश्वर की कृपा होती है। नहीं मैं बहुत, है ना, बहुत बढ़िया हो गई हूँ पहले से, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा है। तो ये आधा शरीर डायग्नोज ही नहीं होता और डॉक्टर तो यही कहते रहते हैं कि तुम्हारा दिमाग खराब है, साइकेट्रिस्ट की मेडिसिन दे दे के उनको। हाँ, मैंने सब कुछ कर लिया, कुछ हुआ ही नहीं ना, बस वो दवाइयों का जब तक बॉडी में रहता है तब तक लगता है रिलीव है, उसके बाद वो फिर वैसा का वैसा ही। जी, और हमने क्या किया? एंटी हो गई। कितनी थेरेपी ली आपने, वो पूछ रही है। 21 हो गई मेरी। 21 थेरेपी में आज भी बहुत बढ़िया है। और हमने क्या किया और हमारा डायग्नोज क्या है समझ लो। हाफ बॉडी पेन में क्या करते हैं हम, ऐसे घूम जाओ। ये जो यहाँ का एक एरिया ऐसा है कि इधर वाला ब्रेन इधर और इधर वाला ब्रेन इधर को कंट्रोल करता है, लेफ्ट ब्रेन राइट बॉडी को और राइट ब्रेन लेफ्ट बॉडी को कंट्रोल करता है। ये जो जंक्शन का एरिया है, जब यहाँ कहीं अलाइनमेंट बिगड़ जाता है, जंक्शन का एरिया, उसका जब अलाइनमेंट बिगड़ता है तो वहां से पूरी इधर की नर्व वो ज्यादा सेंसिटिव हो जाती है। डॉक्टर लोग न्यूरालजिया बोल देते हैं, पता नहीं डिप्रेशन बोलते हैं, क्या क्या बोलते हैं। हमें सिर्फ इस एरिया का अलाइनमेंट करना होता है और हमने इनका अलाइनमेंट किया, इनका जो आधा शरीर लेके घूम रही थी इनका पूरा शरीर आ गया, जो दर्द करता था वो सारा ठीक हो गया, केवल एक ही जगह ठीक। इसीलिए फिर मैं क्या बोल रहा हूँ, हम क्या बोलते हैं, न्यूरोथेरेपी कहाँ कहाँ होनी चाहिए? घर घर में न्यूरोथेरेपी होनी चाहिए, हर घर में न्यूरोथेरेपी होनी चाहिए। इनको कोई दवाई नहीं दी, ना कोई डाला, ना कुछ निकाला, किया कुछ नहीं, कोई कुछ नहीं किया, केवल थेरेपी ट्रीटमेंट किया। और आज ये इस तरह के केस, ये लाइलाज केस हैं, घुटना कमर गर्दन दर्द तो ठीक करते ही हैं। नहीं, मेरी गर्दन भी तो नहीं घूमती थी। हाँ, वो गर्दन भी देखी थी मैंने, घूमती नहीं थी बिल्कुल भी, नहीं घूमती थी मेरी, बहुत ज्यादा पेन था, मैं सो नहीं सकती थी, सो जाती थी, उठ नहीं पाती थी, ऐसे 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 होता था ये। आप घुमा के दिखा दो। अच्छा, हाँ जी और ना जी दोनों को, हाँ जी और ना जी, बिल्कुल ठीक है, ये बिल्कुल ठीक है। इसीलिए न्यूरोथेरेपी घर घर में होना बहुत आवश्यक है। अभी सीखने वाले भी है ना, युवक तो सीख रहे हैं, जैसे ये लोग
अब बाबू जी भी सीख रहे हैं, इनका जो पेट ठीक हुआ उसके बाद उन्होंने कहा भाई मैं भी पढ़ाई करूंगा, और अच्छा लगता है, पढ़ने की कोई उम्र नहीं है। आपके पास अगर कोई स्किल और हुनर है इससे बढ़िया क्या है, और वो जो आप दूसरे की जिंदगी में वैल्यू ऐड कर दो। भाई हम क्या कर रहे हैं, वैल्यू ऐड तो कर रहे हैं भाई, इनकी जिंदगी में वैल्यू ऐड हुई हमारे थेरेपिस्ट के माध्यम से, सबने ट्रीटमेंट दिया, कितना बढ़िया डायग्नोस किया, कितना बढ़िया ट्रीटमेंट दिया, जी बढ़िया हो गई है ना। अब आप लोगों को बोलोगे कि लोग आए ट्रीटमेंट कराने के लिए? नहीं आए, जब मैं ठीक हो गई तो बिल्कुल आए, ट्रीटमेंट करवाए, ठीक हो जाएंगे जी। जब मैंने आज छोड़ दी थी कि मैं ठीक ही नहीं हो सकती, ये मैंने माइंड में सेट भी कर लिया था, मैं ठीक नहीं हो सकती, सेट कर लिया था। और अब क्या सेट किया? नहीं ठीक, 20 साल से इलाज करवा रही हूँ, आज से 20 साल से इलाज करा रही हूँ, दो 20 साल बहुत होते हैं, 20 साल से बराबर इलाज करवा रही हूँ, मेरे माइंड में ये सेट हो गया मैं ठीक नहीं हो सकती, लेकिन अब मैं काफी ठीक हूँ। अब क्या सेट हुआ है? उम्मीद जब मैं नॉर्मल काम करूंगी, हाँ मैं ठीक हो सकती हूँ। चलिए आप सबको आप शुभकामना दीजिए, अपनी ब्लेसिंग्स दीजिए कि भाई आप सब भी जल्दी अच्छे हो जाए, जल्दी अच्छे हो जाए, सही बात है, जल्दी अच्छे हो जाए। एक बात और बोल दीजिए, सब लोग अपने घर में किसी न किसी एक को न्यूरोथेरेपी जरूर सिखाएं। हाँ आपने बोल दिया, मैंने बोल दिया। बोले कॉपी आई जैसे डू एस सेव है ना। हाँ ये इनको भी डॉक्टर बनाएंगे। आपने क्या पढ़ाई करी? टेंथ करी है, तो इनको ताली बजाइए, इनको सीनियर न्यूरोथेरेपिस्ट बनाएंगे हम। और अपना आधा शरीर जब ये बोलेंगी किसी को, अरे भाई मैं भी आधा शरीर लेके घूमती थी ठीक हो गई, तो सामने वाले को ट्रीटमेंट कराने का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा? बढ़ेगा। तो इस तरह से घर घर में लोग सीखें और ये विज्ञान घर घर में पहुंचे। आरोग्य पीठ इसी के लिए काम भी कर रहा है, ठीक भी कर रहा है, आजीविका भी दिला रहा है, और घर घर के अंदर डॉक्टर्स बना रहा है। ये सीखने के बाद जो डॉक्टर नहीं कर पाता उससे बड़ा काम वो व्यक्ति कर सकता है। तो आप स्वस्थ रहें, खुश रहें, हमारे बहुत बहुत शुभकामनाएं, भगवान से प्रार्थना आपको स्वस्थ रखे और खुश रखे। बहुत बहुत धन्यवाद। कंधा दर्द, गर्दन दर्द, कमर दर्द, गैस, एसिडिटी, माइग्रेन बहुत सारे रहते हैं, और अगर घुटनों की बीमारी आ गई तो एक एक कदम पहाड़ जैसे लगने लगता है और जिंदगी बोझ बन जाती है। बीमारी की कोई उम्र नहीं है। आरोग्य पीठ लाया है बिना दवा बिना साइड इफेक्ट के इतनी भयंकर बीमारियों को रिवर्स करने का जबरदस्त तरीका, वेलनेस न्यूरोथेरेपी। तो देर किस बात की, अभी फोन उठाओ, कॉल करो और अपने रोगों से, अपनी बीमारियों से परमानेंट छुटकारा पाओ।